मधुसूदनगढ़ थाना अंतर्गत देवपुरा गांव के पास पार्वती नदी में नहाने गए बच्चों में दूसरे बच्चे का भी शव मिल गया। शनिवार दोपहर को जितेंद्र अहिरवार पिता अमरचंद्र अहिरवार का शव पहले ही ग्रामीणों को मिल चुका था। वहीं देर रात अर्जुन अहिरवार पिता भद्रीलाल अहिरवार की तलाश रेस्क्यू टीम करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं रात अधिक होने के कारण रविवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चला गया। काफी मशक्कत के बाद दूसरे बालक का भी शव मिल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन बच्चे नदी में नहाने गए थे, वहीं इसी दौरान दोनों बच्चे पार्वती नदी में डूब गए, जिसकी सूचना तीसरे बच्चे ने गांव पहुंचकर गांव वालों को दी। सूचना मिलते ही गांव के लोग भी पार्वती नदी किनारे पहुंच गए और जितेंद्र अहिरवार को ढूंढ निकाला, जबकि अर्जुन अहिरवार नाम के बच्चे का कोई भी पता नहीं चल पाया। गाँव के लोग जितेंद्र अहिरवार को लेकर मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गए। यहां डॉक्टर मुकेश शर्मा ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि सूचना मिलते ही मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी अनूप भार्गव सहित शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रेस्क्यू करने के लिए पार्वती नदी पर पहुंचे, लेकिन देर रात तक अर्जुन अहिरवार नाम के बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया। जबकि रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार अर्जुन की तलाश की जा रही थी, वहीं रविवार सुबह रेस्क्यू किया गया तो वहीं अर्जुन का शव नदी में मिला। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि करीब दो महीने पहले ही जितेंद्र अहिरवार नाम के बच्चे के पिता अमरचंद्र अहिरवार की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।